दोस्तों आज से हम कुछ है आपके लिए जो एक नया वीडियो शुरू करने जा रहे हैं जिसमें कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करेंगे। ऐसे कस्टमर जो ऑलरेडी जो हैं वो एयर कंडीशन यूज़ कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं हम लॉयड के एयर कंडीशन के साथ में। हमारे एक कस्टमर हैं मयूर सैनी जी, उन्होंने अपना जो है वो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है कि लॉयड का एयर कंडीशन उनको कैसी सर्विसेज दे रहा है, साथ में उनको क्या क्या दिक्कत आ रही है, ये सारा ही इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचने वाला है। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे कि हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डील फिक्स करो, तो चलिए उनके लाइव एक्सपीरियंस को हम डिटेल्स में जानते हैं। दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डील फिक्स करो पे। एक बार दोबारा हम हाजिर हैं आपके साथ में एक लाइव फीडबैक के साथ में। जो हमारे साथ मयूर सैनी जी हैं, उन्होंने अपना इंपॉर्टेंट टाइम आज हमें दिया है और अपना इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। सर आप मुझे बताएं कि आपने जो ये लॉयड का 2 टन 2 स्टार एयर कंडीशन बाई किया है, इसके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा है? एक्सपीरियंस मेरा अच्छा है, कूलिंग अच्छी है, जिस पर्पज़ से मैंने लिया था वो मेरा पर्पज़ इसमें पूरा मिला है, मुझे सॉल्व हुआ है पूरा। अच्छा, कूलिंग आप कितने पे सेट करते हैं और कूलिंग परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? कूलिंग नॉर्मली मेरा 24-25 रहता है, इसी पे नॉर्मली हम लोग इसको चलाते हैं और इससे ज़्यादा मुझे कम करने की भी नीड नहीं रहती है और इससे ज़्यादा की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों देखें, अगर आप ये जो लाइट का एयर कंडीशन देख रहे हैं, इसमें जो ब्लोअर देख रहे हैं उसकी साइज़ भी काफ़ी हद तक बड़ी है और अच्छी यहाँ से जो है फ्रेश एयर हमको मिल रही है। साथ में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको सभी को बता देता हूँ कि नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशन के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको खास करके ख्याल रखना है। बहुत सारे जो एयर कंडीशन है वो केवल एक ही रीज़न के कारण ख़राब होते हैं, वो है पावर फ्लक्चुएशन। तो आपको एक अच्छी कंपनी का स्टेबलाइजर ज़रूर बाय करना है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने वी गार्ड का एक स्टेबलाइजर जो है इसके साथ में यूज़ किया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। वैसे लॉयड के एयर कंडीशन के परफॉर्मेंस के बारे में और हम जान लेते हैं। आप हमें ये बताएं कि जो लॉयड का एयर कंडीशन जब कभी आपने लिया था उसके पहले आपने कोई रिसर्च किया था या अगर आपने किसी के थ्रू इसकी इन्फॉर्मेशन मिली आपने लॉयड ही क्यों चुना? हाँ, ऐसे कोई खास रिसर्च नहीं की थी मैंने, मुझे कूलिंग पर्पस के हिसाब से चाहिए था कि जो अच्छी स्ट्रॉन्ग कूलिंग कर सके, तो मुझे उस टाइम पर ऐसा लगा लॉयड और उस टाइम अच्छा चल रहा था और काफ़ी मेरे कुछ परिचित हैं जिनके पास है लॉयड का एसी, उन्होंने बताया परफॉर्मेंस अच्छा है और हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो हमें कोई शिकायत नहीं है, तो फिर मैंने भी लॉयड परचेस किया और वो सही रहा मेरा डिसीजन, मुझे कोई शिकायत नहीं है, अच्छी कूलिंग दे रहा। आपके हिसाब से ये एयर कंडीशन आप जो हैं वो हमारे ऑडियंस को रिकमेंड करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल करना चाहूँगा। दोस्तों जो ये नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशन है इसमें आपको जो खास बात ये है कि इसमें आपको जो रेफ्रिजरेंट गैस मिलती हैं वो R32 रेफ्रिजरेंट गैस यूज़ हुई है जो कि इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली है, किसी भी प्रकार की ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन लेयर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती। और एक अच्छी चीज़ यह है कि आप इस एयर कंडीशन में जितने भी कंडेंसर कॉइल्स हैं, कूलिंग कॉइल्स हैं, उनमें 100% कॉपर का जो है वो यूज़ किया हुआ है लॉयड की ओर से, जिससे कि मेंटेनेंस उसका जो रखरखाव है काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अभी तक आपको सर्विसेज से लेकर आपने कुछ पार्ट्स इसके बाय किए हों या कोई भी आपको दिक्कत आई हो या कोई भी टेक्निकल इश्यूज अभी तक इस एयर कंडीशन में आपको देखने को मिला है? नहीं नहीं, अभी तक जीरो, कोई भी मुझे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आई है, कभी मुझे किसी टेक्नीशियन की ज़रूरत नहीं पड़ी है, बस एक बार नॉर्मल सर्विसिंग कराई थी बस, दैट्स इट। आपको कितना समय हो चुका है इस एयर कंडीशन को बाय किए? 2 साल हुए। 2 साल हो चुके हैं और ओवरऑल जो है इसकी कूलिंग परफॉर्मेंस से लेकर अगर आपके इसके जो अदर फीचर्स हैं वो सब चीज़ों का अगर देखते हुए, जैसे कि इसके मोड्स हैं, ड्राई मोड हैं, स्लीप मोड है, कूल मोड है, वो सारे ही मोड आप यूज़ करते हैं? हाँ देखिए, सच बताऊँ तो सारे मोड में यूज़ नहीं करता हूँ। नॉर्मली जो होता है स्विंग अप एंड डाउन का और जो अंदर इंटरनल जो इसके दिए हुए हैं स्विंग के साइड होने के, वो थोड़ा बहुत, बाकी इतने ज़्यादा स्लीप मोड और ये सब मैं इतना यूज़ नहीं करता।
देखिए एक्सपीरियंस के हिसाब से जो उन्होंने अपना नॉर्मल फीडबैक दिया है वो एक 100% रियल फीडबैक है आप सभी के लिए। अगर आप भी लॉयड का एयर कंडीशन चुनना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, जिससे कि आपको आसानी हो सके कि कौन सा एयर कंडीशन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। सर कम शब्दों में आप मुझे ये बताएं कि आप अपने इस एयर कंडीशनर से कितना संतुष्ट हैं। एक्चुअली मैं इस एसी को पिछले 2 सालों से यूज़ कर रहा हूँ और मेरा रीज़न ये था इसे परचेज़ करने का कि मेरी मम्मी थोड़ा सा बेड पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करती, बीमार रहती हैं, तो उस हिसाब से मुझे चाहिए था कि जो अच्छी कूलिंग करे, पावरफुल हो, नॉइस कम हो उसके अंदर और ओवरऑल अच्छा है, मतलब मुझे आउटपुट मिले, उसका वर्थ ऑफ मनी होना चाहिए। तो मैंने ये देख के लॉयड परचेज़ किया और ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा है, अच्छी कूलिंग करता है, ऊपर जो इसका मशीन लगी है उसकी भी कोई आवाज़ इतनी नहीं आती है, नीचे भी बिल्कुल साइलेंटली कूलिंग करता है, नीचे भी साइलेंट रहती है, कूलिंग अच्छी होती है, तो ओवरऑल मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है इसके लिए। और कस्टमर सर्विस को लेकर अभी तक अगर आपको कोई दिक्कत आई हो या आपने कभी लॉयड की कस्टमर सर्विस को लेकर या उनके कोई एग्जीक्यूटिव हैं उनसे कभी बात की हो या कोई सर्विसिंग रिगार्डिंग कुछ इशू आपको आया है अभी तक? नहीं एज सच ऐसे कोई इशू तो आया नहीं है मुझे। सर्विसिंग के लिए मैंने बुलाया था तो वो आ गए थे और नॉर्मली जो जनरल सर्विस होती है क्योंकि इतना यूज़ में नहीं आता, हम लोग सिर्फ गर्मी में नॉर्मल इतने ही चलाते हैं, तो वो लोग आए, उन्होंने अपना काम किया और चले गए। मुझे मतलब ऐसा कुछ लगा नहीं कि कोई कंप्लेंट जैसा कुछ है या अच्छा नहीं किया है या अनप्रोफेशनल है, ऐसा कुछ भी नहीं था, ओवरऑल सब कुछ ठीक था। नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशन आप यूज़ कर रहे हैं जो कि 2 टन का है और 2 स्टार्स की रेटिंग है, तो पावर कंजप्शन तो सीधी सी बात है नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशन में इतनी होती नहीं है, लेकिन इस प्रोडक्ट को आप 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? 10 में से मैं इसे दूंगा 8.5। थैंक यू। दोस्तों आपने देखा मयूर सैनी जी ने कितनी सहजता से अपना जो एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर किया। अगर आप भी किसी पर्टिकुलर मॉडल के साथ में अगर किसी भी कस्टमर का एक्सपीरियंस जो है वो देखना चाहते हैं यानी समझना चाहते हैं कि क्या एक्सपीरियंस रहता है यूज़र का, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है वो कोशिश करेंगे कि उस स्पेसिफिक सीरीज़ या स्पेसिफिक मॉडल के बारे में जो है हम आपको डिटेल्स में बताएं। वैसे दोस्तों बहुत ही जल्द जो है इस वीडियो के बाद में जो है हम पैनासोनिक के कस्टमर्स के रियल जो एक्सपीरियंस है वो क्या है वो आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। दोस्तों बने रहें आपके अपने YouTube चैनल डील फिक्स करो के साथ में, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।